गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी लर्न अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वेयर वी लर्न इन अवर प्रीवियस लेक्चर फ्लावर्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड फंक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड सिमेट्री ऑफ फ्लावर एक्सेट्रा एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स. ओके, the position of other floral parts as compared to gynoecium on the thalamus is known as insertion of floral leaf. It is three types of hypogynous, perigynous and epigynous. One second. Yes, here you watch various types of insertion of floral leaves. First is the hypogynous. What is a hypogynous? When thalamus become conical in shape due to swelling and ovary occupies the highest position and the stamen, sepal and petals are developed below the ovary, the condition is known as hypogynous. जब ये thalamus में इसका जो उष्पाशन होता है उसमें ओवरी जो है वो अपर होता है, जब इसको हम सेक्शन कटिंग काट के देखेंगे तो ओवरी जो है वो सबसे ऊपर होता है एंड एंड्रोसियम सेपल एंड पेटल्स जो है वो ओवरी के नीचे से लगे होते हैं फ्लावर्स में, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपोगाइनस एंड द फ्लावर इज कॉल्ड हाइपोगाइनस टाइप ऑफ ओवरी इज नोन एज सुपीरियर ओवरी. ठीक है, ये ऊपर है, सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं, तो ये ओवरी क्या कहलाता है? सुपीरियर ओवरी, लाइक ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज एक्सेट्रा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है. एंड पेरी, सेकंड इज द पेरीगाइनस. व्हेन द थैलेमस ग्रो अपवर्ड टू फॉर्म अ कप और सॉसर, एक कप या सॉसर के समान बन गया है थैलेमस जो है वो, और इसके अंदर जो है वो ओवरी होता है एंड अराउंड द ओवरी एंड द सेपल एंड पेटल्स एंड स्टेमन आर राइज टू अ सर्टेन हाइट टू दैट दे डू नॉट रिमेंस बिलो द ओवरी और ऑन द सेम लेवल. सच अ कंडीशन इज कॉल्ड पेरीगाइन एंड द फ्लावर इज सेड टू बी एस पेरीगाइनस. द ओवरी ऑफ अ पेरीगाइनस फ्लावर इज डिस्क्राइब्ड एज सेमी इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर. ओके, थैलेमस जो है वो कप या सॉसर के लाइक हो गया है और इसका जो ओवरी है इसके अंदर आ गया है और थैलेमस के ऊपर जो है वो ये है ना, ये कप या सॉसर के लाइक हो गया है और थैलेमस ऊपर इसके ऊपर है, सॉरी थैलेमस जो है कप या सॉसर लाइक हो गया है, ओवरी इसके ऊपर है और जो और अदर ऑर्गन्स फ्लावर्स के लाइक एंड्रोसियम सेपल एंड पेटल्स ये जो है वो ओवरी के को पूरा ढका नहीं है, ये हाफ ही है ना, ये क्या है, इसके हाफ में है, तो ये क्या कहलाता है, ओवरी इज सिचुएटेड इन सेमी इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर. एग्जांपल इसका है रोज, पी, बीन्स एक्सेट्रा. एंड थर्ड वन इज द एपिगाइनस. इन सम फ्लावर द थैलेमस ग्रोस अपवर्ड कम्प्लीटली enclosing the ovary and being fused with it so that sepal, petal and stamen are developed from a region of the thalamus above the ovary and the condition is known as epigyne. In case the flower is said to be epigynous and the ovary is inferior. यहाँ पर thalamus क्या हो गया, पूरा इसको ovary को cover कर रहा है like this, है ना, ये पूरा ऊपर तक आ गया है और बाकी जो ऑर्गन्स है लाइक एंड्रोसियम पेटल एंड सेपल आर सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ थैलेमस, सो ओवरी इज फुली कवर्ड इंटीरियर इन्फीरियर. इसका एग्जांपल जो है वो सनफ्लावर, लेग्जोरा एक्सेट्रा इसके एग्जांपल हैं. ओके, सो लेट्स वी लर्न अबाउट कैलिक्स. वाट इज कैलिक्स? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट रोल ऑफ अ फ्लावर.
ईच इंडिविजुअल्स ऑफ दिस रोल इज कॉल्ड सेपल। मैंने आपको फ्लावर्स का डायग्राम बताया था, है ना। दिस इज पेडिकल थैलेमस एंड आउटर मोस्ट जो पार्ट ग्रीन कलर का होता है, इट इज कॉल्ड कैलिक्स। ओके एंड सेपल्स, इसका जो एक पार्ट है ये कंबाइंड रूप से हम इसको कैलिक्स बोलेंगे, और जो एक इसका भाग होता है या एक पंखुड़ी होती है, एक ऑर्गन होता है, वो सेपल कहलाता है। एंड सेपल में भी ऑफ यूनिफॉर्म साइज आर दे में भी ऑफ डिफरेंट साइज, या तो एक जैसे होते हैं या डिफरेंट साइज के भी होते हैं। वेन द सेपल आर ग्रीन इन कलर दे आर डिस्क्राइब्ड एज सेपलॉइड्स, और मैक्सिमम सेपल्स जो है वो ग्रीन कलर का ही होते हैं। वेन दे आर ब्राइटली कलर्ड लाइक पेटल्स दे आर कॉल्ड एज पेटलाइट, अगर ये कलर्ड हुए तो पेटलाइट कहलाएंगे। इन द कैलिक्स वेन द सेपल आर फ्री फ्रॉम वन अनदर दे आर डिस्क्राइब्ड एज पॉलीसेपेलस, अगर अलग अलग हुए तो, एंड अगर एक साथ जुड़े हुए हैं तो वो कहलाएंगे गैमोसेपेलस लाइक चाइना रोज। वेन द सेपल फॉल्स ऑफ एज सून एज द फ्लावर बर्ड ओपन्स दे आर कॉल्ड सीडेसियस, एंड द सेपल आर कॉल्ड डेसीडिवस। ओके वेन दे सर्वाइव टिल द वेदरिंग ऑफ पेटल्स एज इन लोटस, समटाइम्स द सेपल्स लीव इवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड रिमेन अटैच टू द फ्रूट, इन दैट केस दे आर सेड टू द पेरिस्टेंट लाइक ब्रिंजल पी एक्सेट्रा। सेपल जो है जैसे जैसे फ्लावर ग्रो होने लगता है तो ये झड़ जाता है, तो ये कहलाएगा सीडेसियस। अगर ये सेपल जो है वो ज़्यादा समय तक रहता है, सर्वाइव करता है पेटल के साथ साथ, तो वो कहलाएगा डेसीडुअस। एंड कभी कभी ये जो सेपल्स हैं वो फ्रूट्स में भी लगे हुए होते हैं, ये झड़ते ही नहीं हैं, देन इट इज़ कॉल्ड पेरिस्टेंट लाइक ब्रिंजल। ब्रिंजल वगैरह में जो लगा होता है ना ग्रीन कलर का उसका टोपी, ये सेपल्स ही होते हैं फ्लावर का। ओके देन वेन वी लर्न अबाउट फॉर्म्स ऑफ कैलिक्स, इट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपल्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट इज द इन्फंडी बुलेरिस, इन सम प्लांट्स सेपल्स लुक लाइक अ फनल, कैसा होता है फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है सेपल्स का पूरे जुड़ के, फनल फनल आर कीप यू नो लाइक दिस एग्जाम्पल रेलवे क्रीपर। एंड समटाइम इट मे इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लुक लाइक ट्यूब ट्यूबलर स्ट्रक्चर लाइक दिस एग्जाम्पल धतूरा। ओके लाइक दिस एंड थर्ड इज अर्सियोलेट, पीचर सेप्ड सेपल्स आर कॉल्ड एज अर्सियोलेट। एंड फोर वन इज द कंपेनुलेट, इन केस इन दिस केस द शेप ऑफ द कैलिक्स इज लाइक अ बेल, बेल शेप हो जाता है लाइक दिस। ओके एंड बिलिए बिएट आर बिलिप्ड एग्जाम्पल इसका है ओसिमम या सेनेक्टम। वेन सेपल्स आर यूनाइटेड बट अनइक्वल इन साइज एंड दे फॉर्म अ लिप लाइक स्ट्रक्चर कैलिक्स इज सेड टू बी बाई लेबिएट लाइक दिस। ओके एंड फंक्शन ऑफ कैलिक्स, द मेन फंक्शन ऑफ द सेपल इज प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग बर्ड स्टेज, दे आर ग्रीन इन कलर एंड दस सिंथेसाइज फूड मटेरियल बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट आर लीव्स।
एंड कलर्ड सेपल्स हेल्प इन द पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड व्हेन मॉडिफाइड इन टू हेयरी स्ट्रक्चर कार्ड पेपर्स दे हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स। जैसे सनफ्लावर में हम देखें, हमने इसका जो कैलिक्स होता है वो पतला सा पंख लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, पेपस कहते हैं इसको। तो ये जो है वो डिस्पर्सल, फ्रूट के डिस्पर्सल में यूज़ होता है, इसका फंक्शन होता है। एंड व्हेन वी नो अबाउट कोरोला, कोरोला इज सेकंड रोल ऑफ फ्लावर विच इज़ यूजुअली लार्ज एन इन साइज एंड इनर टू कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर जो सेकंड पार्ट होता है ना, लाइक दिस, ये क्या होता है, कोरोला होता है। ओके, इट इज मेड अप, ओके, इट इज मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स। द इंडिविजुअल्स नंबर्स ऑफ दिस रोल आर कॉल्ड पेटल्स। वन जो कैलिक्स कोरोला का भाग होता है वो कहलाता है पेटल। एंड जनरली द पेटल्स आर कलर्ड एंड स्केंटेड। ठीक है, ये हमें ज़्यादातर तो पेटल का कलर, पेटल जो कलरफुल होते हैं है ना, इसी से फ्लावर ब्यूटीफुल बनता है और ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। द प्रोटेक्शन द इनर रोल एंड अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। साथ ही साथ ये जो अंदर के भाग एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ईच पेटल हैज़ अ नैरो बेसिल पोर्शन नोन एज क्लोज एंड इन अपर क्या स्प्रेडेड अप पोर्शन। ये जो है वो नीचे से जहाँ पे ये जुड़ा होता है थैलस से, वो नैरो होता है जिसको क्लोज कहते हैं। एंड इसका जो अपर का भाग होता है वो डिफरेंट साइज का हो सकता है, बट व्हेन दे आर यूनाइटेड विथ वन अनदर, व्हेन दे आर नॉट यूनाइटेड टू ईच अदर दे आर कॉल्ड पॉलीपेटेलस, एंड व्हेन दे आर यूनाइटेड टू ईच अदर दे आर कॉल्ड गैमोपेटेलस। इन अ गैमोपेटेलस कोरोला द यूनाइटेड वेसल पोर्शन इज नोन एज कोरोला ट्यूब एंड द अपर फ्री पोर्शन नोन एज कोरोला लोब्स। अगर ये नीचे से जुड़ा है और ऊपर से फ्री है तो, ओके, एंड द जंक्शन बिटवीन द कोरोला ट्यूब एंड द लोब्स इज कॉल्ड थ्रोट एंड दे मे बी डेसीडुअस आर पेरिस्टेंट एंड द पेटल्स वेन ग्रीन इन कलर आर कॉल्ड सेपेलाइट। ओके, अगर कभी कभी ये ग्रीन भी होते हैं तब ये सेपेलाइट कहलाते हैं, सेपल के समान होते हैं तो सेपेलाइट। एंड द फॉर्म ऑफ कोरोला पॉलीपेटेलस एंड रेगुलर, पॉलीपेटेलस मीन्स एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं और रेगुलर क्रम में ये लगे हुए होते हैं, तब ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है क्रूसीफॉर्म, व्हेन देयर आर फोर पेटल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस, ये क्रॉस लाइक फॉर्म में लाइक मस्टर्ड इस टाइप का रहता है, तो ये क्या कहलाता है, क्रूसीफॉर्म कहलाता है। एंड मस्टर्ड में, मस्टर्ड फैमिली या क्रूसीफेरेसी क्रॉस से बना हुआ, इसका नाम ही बना हुआ है, ये एक फैमिली है। एंड कैरियो फाइलेसियस, इन दिस केस द कोरोला कंसिस्ट ऑफ फाइव फ्री पेटल्स विथ कंपेरेटिवली लॉन्ग क्लॉस, द क्लॉस एंड लीम्स ऑफ पेटल्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द क्लॉस। ये डैंथस है एंड कैरियो फाइलेसी फैमिली में ये पाया जाता है, लाइक दिस टाइप का होता है, लाइक दिस, इस टाइप का ही होता है, ठीक है, ये कहलाता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ अ रोजेसियसी, इट कंटेंस आर फाइव आर मोर पेटल्स, पेटल्स आर विथ ब्रॉड क्लॉस एंड लिम्स, द लिम्ब प्रोजेक्टेड रेगुलरली आउटवर्ड्स लाइक रोज, रोज वगैरह में हम देखें ना, लाइक इस टाइप का रोज के पंखड़ी होते हैं,
ठीक है। एंड सेकंड वन इज द गैमोपेटलस एंड इररेगुलर। गैमो मीन्स जुड़ा हुआ और इररेगुलर, ये रेगुलर नहीं होते हैं। व्हेन द दे आर फोर टाइप्स। फर्स्ट इज द ट्यूबुलर, व्हेन द पेटल्स बिकम यूनाइटेड टू फॉर्म अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल ट्यूब के लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया सेपल्स एंड लाइक दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पेटल्स। ठीक है, ये डिसफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में पाया जाता है। एंड कैंपेनुलेट आर बेल शेप्ड, ये बेल के शेप के होते हैं, जैसे कि एग्जांपल फॉर एग्जांपल धतूरा लाइक दिस धतूरा। ओके, एंड इन इन्फंडिबुलेफॉर्म आर फनल शेप्ड, व्हेन द पेटल्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म अ ट्यूब बिलो एंड ग्रेजुअली विडेंट अपवर्ड द कोरोला इज कॉल्ड इन्फंडिबुलेफॉर्म। यस, इन्फंडिबुलेफॉर्म लाइक धतुरा। एंड थर्ड वन इज द सॉरी बेल शेप्ड में कुकुर बिटा का नहीं पड़े ना। ओके, एंड सेकंड वन इज द बेल शेप्ड, इन केस द शेप ऑफ कोरोला इज लाइक अ बेल कुकुरबिटा, कुकुम्बर में ये पाया जाता है। एंड थर्ड जो है वो फनल शेप्ड, एंड फोर्थ इज द रोटेट आर व्हील शेप्ड। ये जो है व्हेन द ट्यूब ऑफ कोरोला इज नैरो शॉर्ट आर लॉन्ग एंड द इंटायर कोरोला इज मोर आर लेस व्हील लाइक इन अपेरेंस एग्जोरा जास्मिन, इसमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कोरोला जो है वो एक दूसरे को ऐसे व्हील के लाइक व्हील स्ट्रक्चर ये बना हुआ होता है। ओके, एंड द फोर्थ वन इज पॉलीपेटलस एंड मोनोसिमेट्रिकल। पॉली मीन्स एक दूसरे से अलग। इसमें पेपिलिनियोसियस फॉर्म पाया जाता है, फॉर एग्जांपल पी बीन एक्सेट्रा। इन दिस कोरोला इज बटरफ्लाई शेप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ फाइव पेटल्स ऑफ विच आउटर मोस्ट इज लार्जेस्ट नोन एज स्टैंडर्ड लाइक दिस। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आर वैक्सिलम एंड टू लेटरल पेटल्स लाइक दिस। इट इज कॉल्ड विंग्स एंड वन बोट शेप्ड कील आर कोरोना लाइक दिस कील आर कोरोना। मटर कुल के जितने भी हैं पल्सेस वगैरह है ना, उनके फ्लावर्स ऐसे ही होते हैं। सेम की फली है, मटर है, इस सब में। ओके, एंड फोर्थ वन इज द गैमोपेटलस एंड मोनोसिमेट्रिकल। ये जो है वो चार प्रकार का होंगे, फोर टाइप्स के होंगे। बिलिबिएट इन द फॉर्म ऑफ कोरोला इज डिवाइडेड इनटू टू लीव्स अपर एंड लोअर एंड बोट शेप्ड कील सॉरी अपर एंड लोअर। एग्जांपल है ओसिमम, तुलसी में होता है ये फ्लावर। एंड सेकंड वन इज द लंगुलेट आर स्ट्रेप शेप्ड। इन दिस फॉर्म द कोरोला इज टू लिप्ड एंड द लिप आर प्लेस्ड सो नियर टू ईच एज टू क्लोज द माउथ ऑफ द कोरोला। एंड थर्ड वन इज द स्पर्ड एंड फोर वन द पर्सोनेट आर मास्क्ड। एग्जाम्पल इसका है पैलेट एज इन एंथीरियम। ओके, तो आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर टुडे टुडेज क्लास एंड वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, बाय।